वाह मौला तेरे रंग, जो खुशबू सूंघने के लिए बड़े अफसरों के कमरे में जाया करते थे, आज वही खुशबू हमारे कमरे की जीनत हो गई है। सही, जीनत का नाम ना ले, वो तो मुझे रोज तमीज घोल घोल के पिलाती थी। सही, बीवी थी मेरी, मैंने उसको तलाक दे दी है। वह तेरी बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं इस बीनी बीनी खुशबू की बात कर रहा हूँ। वे इतनी टेस्टी, आई कांट एक्सप्लेन। हाँ चल, ये एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? मैं तो दो बातें पूछ, मैंने कौन सा जवाब दे देना है? या आपने खिचड़ी बनाना कहाँ से सीखी है? वह ये, तूने क्या मेरी दुखती रग छेड़ दिया है। हमारे गांव में एक मासी हुआ करती थी, नौ उसका दौलत बीबी था, मगर थी बड़ी गरीब, कुकनिंग का काम करती थी। एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा मासी आज जरा खिचड़ी तो पका। उसने टूटा चावल लिए इतने इतने लंबे और उसमें मूंगी की दाल छिलकों वाली मिक्स करके धीमी आंच पर ऐसी खिचड़ी पकाई। फिर उस खिचड़ी को परात में उलुद के उसमें ऐसे नदी नाले बना दिए। उन नदी नालों में उसने देसी गेहूं की सप्लाई दी है, पूरे मल्ले में खुशबुएं फैल गई और खिचड़ी जो थी ना वो ऐसी तर बतर हो गई। सर मैं उस खिचड़ी की बात नहीं कर रहा। तो आप किस खिचड़ी की बात कर रहे हैं? इंछा जी उठो, अब कूच करो। मैं उस खिचड़ी की बात कर रहा हूँ जो आप उर्दू पंजाबी और इंग्लिश को मिलाकर पकाते हैं। ओए बड़े अफसर से मजाक कर रहा है तू? ओ साईं, कैसी बातें कर रहे हैं, अगर एक गधा पूछ ही रहा है तो आप बता दो आप तो बड़े अफसर हो। चक्र साईं तेरे पुरजोर असरार पर मैं बताता हूँ इसको। ये जो पंजाबी है ना, ये रसीली भड़कीली सुरीली इस वजह से आया कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पंजाब में गुजरा है। उर्दू जो है वो मैंने रेडियो से सीखी है, हालांकि रेडियो पर भी अब गलत उर्दू बोली जाती है। और रही बात अंग्रेजी की, तो ये मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, फॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फॉक्सफोर्ड जी, ये जो इमरान खान और बेनजीर है ना, ये भी उससे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सही, आप भी उनके साथ पढ़ते थे? ओए मुटरक, बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे और मैं जरा साइड पर होकर छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दो नंबर में। नीला, नीला उठ जाओ भाई। नीला, ये ना कहना कि फिर नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया। नीला, 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 आके खोलो, नीला, नीला, नीला। नादिर हुसैन, बदलते वक्त के साथ जराइम पेशा अफराद नितने तरीकों से जराइम करते हैं, हकीकत तक पहुंचना नामुमकिन तो नहीं है, अलबत्ता पेचीदा जरूर हो गया है। सर हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। सर, सर वायरलेस पे कल चले एक एड्रेस बताया है, वहां पे एक लेडीज कलाश मिला है सर। तुमने एड्रेस नोट किया? यस सर। नादिर हुसैन। यस सर। फौरन पहुंचो।
और हाँ, इत्तला देने वाले से बेखबर मत रहना। यस सर। सर, SHO साहब से मेरी बात हुई थी, हमें कुछ केसेस में लेडी पुलिस की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए वक्त की जरूरत हम आपको तलब कर लिया करेंगे। सुना है आप तफ्तीश बहुत अच्छी कर लेती हैं। सर, मैं जूड़ा खींच के ना 2 मिनट में एक बाली बयान ले लेती हूँ। तो बाल खींचे बगैर तफ्तीश नहीं की जा सकती। सर, तफ्तीश तो हो जाती है पर औरत सीधी नहीं होती। यू मे गो नाउ। साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? जी फरमाइए। ये मकतूला आपका क्या लगता है? तूला? वही जिसके गम में इधर खड़ा हुआ 500 बार है, क्या लगता है आपका? या मेरी बीवी है, तूला नहीं। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। एक बार आप हमको डेड बॉडी के पास ले जाओ, ये फैसला हम करेगा उनका इंतकाल हुआ या कत्ल। समीरा जी, अंदर जाके लेडीज को सर्च करो। ठीक है, चलो। इत्तला देने वाले ने बिल्कुल सही कहा है सर, इस लड़की का वाकई कत्ल हुआ। इसे जहर दिया गया है सर। अदनान के मुताबिक इन लोगों ने डिनर कल रात बाहर किया था, इसका मतलब है कि अनीला को जहर वहीं दिया गया। नहीं सर, जहर किसी खाने की चीज में मिलाकर नहीं दिया गया, बल्कि जहर स्किन के थ्रू जिस्म में सराइयत करता रहा। आपके कहने का मतलब है कि इसे जहर काफी दिनों से दिया जा रहा था और बिलाखिरकर इसकी डेथ हो गई। जी बिल्कुल सर, जहर उस परफ्यूम में मौजूद था जो अनीला इस्तेमाल कर ये कातिल कितना शातिर है, लेकिन फिर भी इसके प्लान के बारे में किसी को पता था, इसने ऐन मौत होते ही पुलिस को इत्तला कर दी। मगर कौन हो सकता है सर? कातिल खुद। नहीं नहीं सर, इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, मेरा मतलब है दिलदार खान की कॉल है सर। हाँ दिलदार खान। अच्छा, ओह चलो ठीक है, ओके। सर दिलदार खान बता रहा है वो नंबर तो किसी PCO का है, और दुकानदार लड़का उस कॉल करने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानता सर। तुम अदनान पे नजर रखो और उन परफ्यूम्स पे जो अनीला के इस्तेमाल में रहे हैं। सभी परफ्यूम इस तानिया के हवाले कर दिए सर, और यकीनन वो उसमें से जहर आलूद परफ्यूम का पता लगा लेंगी। काफी महंगे परफ्यूम लगते हैं। शादी के बाद लड़कियां बहुत फजूल खर्च हो जाती हैं, बेचारे शौहर। शादी से पहले मर्द फजूल खर्च होता है और शादी के बाद औरतें, एक ही बात है ना। ASP साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक नंबर का खड़ूस इंसान है। वो तो है ही, शादी से पहले वो फजूल खर्चों को इतना कंट्रोल करते हैं, शादी के बाद तो गिनकर बीवी की हथेली पे रखा करेंगे। अपनी तरफ देखा है तुमने? 24 घंटे एक शर्ट पे घूमते रहते हो। तो आप दिला दे मुझे नई शर्ट, आफ्टर ऑल आपका इकलौता इंटेलिजेंट असिस्टेंट हूं। सिर्फ इकलौते वाली बात ठीक है,
नाम लिखवाओ मुझे सबके। मिला है अभी तक लेडीज परफ्यूम से लुत्फंदोज हुआ जा रहा है? नो सर, अभी भी कुछ चेक करने वाले बाकी हैं। लगता है मरूमों को बहुत शौक था परफ्यूम्स कलेक्ट करने का। असल ये वाला उठाओ ना। दिस वन। खोलो सर। विस्तारी ऐसे चेक करें। यकीनन जहर इसी में होगा। इतना यकीन सर? क्योंकि सारे परफ्यूम्स काफी महंगे और ब्रांडेड हैं, सिवाय इसके। हो सकता है ऐसे किसी लोकल मार्केट से रीफिल कराया गया हो, जहर मिला के। इसे चेक करो। ये पता करना होगा कि शहर में कौन सी ऐसी मार्केट है जहां ये परफ्यूम्स रिफिल कराए जाए। चन्मई, मैंने तुम्हारी वाइफ की फोटो देखी। She is very pretty. जी? मैंने अंग्रेजी में कहा बड़ी खूबसूरत है। वैसे तो शक्ल वजह से तुम भी मकूल इंसान ही लगते हो। फिर ये अफेयर चलाने की जरूरत तुमको क्यों महसूस हुई? दिल भर गया था या फिर चमले मारने की आदत सी पड़ गई है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों किसी के साथ अफेयर चलाऊंगा? शक्र सही एविडेंस नंबर वन। हाँ हाँ सही, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। अभी तो साहब के दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ है, हो सकता है दिमाग वर्क करना शुरू कर दे। हाँ सही, हाँ सही, ये लो। वापस दे दो ना, डिलीट ना मार देना। कुछ याद आया या फिर ड्राइंग रूम का चक्कर लगवाया जाए? ये मेरी बीवी है असल। सुन रहा है तू? ये भी बीवी है? वे मेरे मथे पर क्या बेवकूफ लिखा हुआ है या तू खुद को हमायूं सईद समझता है? ये मेरी दूसरी बीवी है। ओह, ये तो फिर केस बड़ा इजी हो गया है। यानी तुम्हारी पहली बीवी जो थी वो दूसरी बीवी को ना पसंद करती थी, इसलिए तुमने पहली बीवी के परफ्यूम में जहर मिला दिया ताकि दूसरी के साथ तुम हंसी खुशी रह सको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनिला गजल के बारे में जानती थी, उसे इस शादी पर कोई एतराज नहीं था। शाकर, जी नहीं, ये तो मुझको हैरान और परेशान कर रहा है। जब भी मुंह खोलता है नवी से नवी गल कर देता है।
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी इस दो नंबर, मेरा मतलब है दूसरी बीवी से कौन कौन सी अहम शख्सियात वाकफियत रखती थी? घर के सभी मुलाजिम और रिश्तेदार, क्योंकि वीकेंड हम साथ ही गुजारते थे। शाकर, थ्री एविडेंस नंबर टू। ओह यस सर। ये परफ्यूम अनीला का? हाँ सही, वो तो हमको भी पता है कि ये अनीला का है, मगर हमको ये बताओ कि ये लेके कौन आया था, अनीला या तू बखीला? ये अनीला खुद लेकर आई थी। ओके ओके, नाउ यू कैन मूव, तुम जा सकते हो, मगर एक बात याद रखना, शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने मफरूर होने की नाकाम कोशिश की तो मैं तुम्हारा नाम PCL में डाल दूंगा। सही, PCL नहीं होता है, ECL होता है। ज्यादा बकड़वाट ना किया कर, जो मैंने कहा है उनको समझ आ गई है, शट अप। अगर दाएं बाएं होने की कोशिश की तो थाने से किस वक्त भी हंगामी कॉल आ सकती है। सही, वैसे मैंने एक चीज को महसूस किया है कि दोस्त होता नहीं हर अच्छा सूट पहनने वाला। बकवास किए थे। देखिए जी, हमें बोतल में अपनी मर्जी का परफ्यूम भरवाना है। जी जी बताएं, कौन सा परफ्यूम भरवाना है? भाई हमको इस बोतल में ये वाला परफ्यूम भरवाना था। नहीं जी, हम अपने ही बनाए हुए परफ्यूम डालते हैं, कोई अगर बाहर से लेके आए तो हम परफ्यूम नहीं डालते। खुदा जाने इसके अंदर क्या हो। लेकिन जी ये मेरा बड़ा पसंदीदा परफ्यूम है, मैं इसमें भरवाना चाहता हूँ, मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। जनाब बात कीमत की नहीं, मैं ये काम करता ही नहीं। अच्छा जी, मेहरबानी आपकी। वैसे अगर आपको ये काम करवाना है तो इस गली के नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान है, बाऊ रफीक, वो ये काम करते हैं, अगर आप उनको कुछ पैसे ऊपर दो। बाऊ रफीक, शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। सलाम। बाऊ रफी की दुकान यही है? ये नहीं हूँ बाऊ रफी। भाई हमको ये बोतल में परफ्यूम डलवाना है। पैसे जितने कहोगे हम दे देंगे। 20 मिनट लगेंगे, आप ऐसे करो कि मार्केट से होके आ जाओ। ऐसा है जी, मेरा भाई आपके पास आता जाता रहता है, ये उसकी तस्वीर है, हम तो शायद ना आ सके, ये आके दे जाएगा। नहीं, ये बंदा तो मेरे पास कभी पहले नहीं आया, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं ये परफ्यूम इस बंदे को दे दूंगा। अच्छा रहने दें, हम खुद ही आके ले लेंगे। ठीक है, सही है। ये बकौल अदनान हैदर के गजल उसकी दूसरी बीवी है,
जबकि पहली बीवी का नाम अनीला उर्फ नीलिया है। हैरत की बात यह है कि पहली बीवी अनीला, घर के मुलाजमीन और सारे रिश्तेदार गजल के बारे में सब कुछ जानते थे। ये मैंने कल्ले कल्ले को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदनान ने दूसरी शादी की क्यों? अगर वो गजल को पसंद करता था तो फिर उसे अनीला से शादी करने की क्या जरूरत थी? उस पर तो कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं था। हुस्न वाले कभी वफा नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते। सर ये हो सकता है कि पहली शादी होने के बाद अदनान की जिंदगी में गजल आई हो। वैसे भी आजकल ये एक फैशन सा हो गया है कि शादी होने के बाद फिर मोहब्बत जन्म लेती है। बिलफर्ज ऐसा ही हुआ है। लेकिन सोचने की बात ये है कि अनीला ने अदनान को दूसरी शादी की इजाजत दे कैसे दी? हमारे पास अनीला की डेड बॉडी मौजूद है, वो जहर आलूदा परफ्यूम भी है, लेकिन कातिल अभी तक गुमनाम है। क्या रिपोर्ट है सर? मार्केट में सिर्फ बाऊ रफीक नामी ऐसा दुकानदार है जो रिफिल करता है और पैसों के लालच में कोई भी लिक्विड किसी भी बोतल में भर देता है। लेकिन सर ये जो बाऊ रफीक है ये अदनान को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। नहीं एक मिनट, अदनान कह रहा था ना कि अनीला वो परफ्यूम खुद लेकर आई थी। यस सर। हमें अनीला को भी शामिल तफ्तीश करना होगा, उसका सारा माजी, उसके दोस्त अहबाब और उसका सेल फोन, कहीं ना कहीं से कोई सुराग जरूर मिलेगा। तुम जाकर उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाओ फौरन। यस सर। आ जाओ जासिम। बाबा बगैर देखे आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आया हूं? एक तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं इसलिए। नो बाबा सॉरी सर। दूसरी बात यह है कि सारी जिंदगी पुलिस में काम करते हुए गुजरी है, अब तो सिपाही की बैग देखकर पहचान लेता हूं कि फ्रंट पर क्या नाम लिखा होगा। मैडम थैंक यू। तो सर आप अभी तक घर नहीं गए? अभी थोड़ी देर में जाने वाला हूँ, आईजी साहब को समरी भिजवानी है इसलिए उसे रीड कर रहा था मैं। अगर आप घर की तरफ जा रहे हो तो मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा, मेरा घर भी रास्ते में ही है। जी जरूर। ओए शाकर साई, वो ये सारा छिड़का तूने आज ही करना है? अगर खुदा ना खास्ता इसमें जहर भरा हो तो मुझको ले डूबेगा। अल्लाह करे सही। सिपाही रैंक के बंदे के साथ फौत होने से बेहतर है कि बंदा घर चला जाए बिफोर टाइम रिटायरमेंट लेकर। अभी बिफोर टाइम थी। हेलो दैजमात पास डायरेक्ट हवलदार स्पीकिंग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ करमदाद बोलो। व्हाट? ओके मैं आता हूँ। सॉरी सर आपको अपनी गाड़ी में घर जाना होगा, एक मर्डर हो गया, मेरा वहां जाना जरूरी है। सर एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की यही निशानी है। एक और मौत, और उसकी वजह? सर अभी जो पॉजिटिव टीम यहां से गया है उसके मुताबिक इसका मौत भी उसी जहरीले परफ्यूम से हुआ सर।
इसका मतलब है कि अनिला का कत्ल अदनान ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने किया है जिसने अदनान की जान ली है। सरवा तो कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इसका वजह क्या है? यही तो समझ नहीं आ रहा कि कोई इन दोनों को क्यों कत्ल करेगा। हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी या फिर अदनान की जायदाद। सर पुराना दुश्मनी हो सकते हैं। मैम समीरा ने हमको बताया कि ये अनिला का बेस्ट फ्रेंड सूफिया के बकौल अनिला का अफेयर था उमर के साथ, लेकिन अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अनिला ने उमर को छोड़कर अदनान से शादी की। हो सकता है उस बेवफाई का बदला लेने के लिए उमर ने दोनों को मर्डर किया। लेकिन सूफिया के मुताबिक उमर एक साल पहले दुबई चला गया। सर हो सकता है ये उमर ने दुबई जाने का खाली ड्रामा किया हो, वो इसी शहर में हो। सर ये अनिला बीबी का सेलफोन है, 3 माह पहले जिस नंबर पर बात होती रही वो उमर के नाम पर है। सर उनके दरमियान आखिरी चैट क्या हुई थी? सर आखिरी मैसेज में गोल्डन पाम रेस्टोरेंट के मखसूस टेबल पर मिलने की बात हुई थी, ठीक रात 8 बजे। दिलदार खान। यस सर। गोल्डन पाम रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए मुझे फौरन। सर सर इसमें लड़के का चेहरा क्लियर नहीं है, कोई दूसरा कैमरा है सामने की तरफ वो लगा। ये है सर। यही उम्र है। इसका मतलब है कि अनिला की दोस्त सूफिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। सर मैं तो यहाँ उमर के घर लौटने का इंतजार कर रहा था, मगर उसके साथ तो अदनान की दूसरी बीवी गजल भी है और बड़े अच्छे मूड में है। ठीक है तुम वहीं पे वेट करो हमारे। यस सर। ओके सर। ओके चलो। ओए बुलुंगड़िया तू अपना बयान अल्फिर कार्ड क्यों नहीं कराता? वे अगर तू नहीं बोलेगा तो हम यहाँ पर तेरा कचूमर बना देंगे। ठाणे की रात बड़ी लंबी होती है, गरम दाल सारा दिन खज्जल खराब हुआ है। नहीं बोलेगा तो मैं बेबी एलिफेंट को बुला के तेरे ऊपर बिठा दूंगा। वो सही उसको क्यों बुलाते हैं? मैं हूं ना इधर, मुझे याद न लगाए, मैं लगाऊं कुप्पे से इसको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरा नाम साकिब है, मेरे कार्ड और लाइसेंस आपके पास है। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ और रात को अपनी गाड़ी बतौर टैक्सी चलाता हूँ। मैं उस लड़की को नहीं जानता। ये है वो लड़का। सर जी बोलता नहीं है, सियासतदानों की तरह एक को बात कड़ी मुड़ी किया जाता है। तुम लोगों ने मारा इसे क्या? सर सिर्फ झाड़ा पहुंचा है। पानी पिलाओ से। आओ खड़े हो। उठो शाबाश, यहां से हटो, बैठो यहां पर आराम से। पानी पिलाओ से। देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन ये कत्ल का केस है और कत्ल भी दो दो हुए। अगर तुमने किसी भी तरह उस लड़की के साथ, क्या नाम था उस लड़की का यार, हाँ गजल, तुमने किसी भी तरह उसके साथ तावुन किया तो मुझे बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा।
सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं उस लड़की को नहीं जानता। आप भले मेरी कंपनी में फोन कर लें, मेरी कंपनी खुद बताती है कि मैं किस कस्टमर को पिक कर रहा हूँ। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। सर जी, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आपने बिला वजह इस जंगली कबूतर को आजाद कर दिया है। मैं एक चक्कर इसका ड्राइंग रूम का लगवाता तो इसने तोते की तरह फर फर सब कुछ बयान कर देना। करमदाद वो बेकसूर था। अगर वो कसूरवार होता तो उसके सामने जब मैं जानबूझकर गजल का नाम भूल गया था तो वो फौरन नाम ले लेता। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी असली हैं। तुम लोगों ने इतना क्यों मार दिया उसे? बहुत होशियार समझती हो ना तुम अपने आप को। चलो सर, ये है गजल। आइए मिस गजल, या फिर मिसेज अदनान हैदर, या फिर मिसेज उमर। यू नो व्हाट, एक्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं। रियल ना भी होना तो बहुत कुछ आपको रियल परफॉर्म करना पड़ता है। शौहर मर जाए तो धाड़े मारकर रोया जाता है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? चलो, दिमाग खराब किया है, अभी तेरा नक्शा ठीक करता है। खड़ा हो जाओ इधर। साहब ये वो आदमी, ये सारा प्लान का मास्टरमाइंड। आज ये तुम्हारे हवाले है, लेकिन कोई तशद्दुद ना करना जब तक मैं तुमसे ना कहूं। कल सुबह के इन दोनों का बयान अल्फी रिकॉर्ड करेंगे। चलो दोनों शुरू हो जाओ। सर नीला और मैं यूनिवर्सिटी में एक साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। फिर एक रोज अपने दोस्त के यहाँ मैंने अदनान को देखा और उसी दोस्त की जबानी मुझे पता चला कि अदनान का इस दुनिया में कोई नहीं और सारी प्रॉपर्टी का वो इकलौता वारिस है। फिर अनीला को मैंने अदनान की जिंदगी में दाखिल कर दिया। कुछ ही मुलाकातों में अदनान को अनीला से प्यार हो गया। मैं ये चाहता था कि शादी से पहले अनीला अदनान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, मगर उसने मुझसे शादी करने के बजाय अदनान से शादी कर ली और शादी के बाद उसने मुझसे हर किस्म का रिश्ता और रिश्ता मुनक़ता कर दिया। फिर एक रोज सोफिया की मदद से मैंने अनीला को रेस्टोरेंट में मुलाकात के लिए बुलवाया और मुझे पक्का यकीन था इस बात का कि अनीला वो परफ्यूम लाजमी यूज करेगी। और दुबई कौन गया था बच्चू, तुम्हारा बाप? दुबई जाना भी प्लान का एक हिस्सा था। मंजर से गायब होने के बाद मैंने फजल को उस प्लान में शामिल किया और अदनान की मौत जिस परफ्यूम से हुई वो मैंने खुद ही तैयार करवाया था। मगर वो परफ्यूम अदनान को मैंने नहीं, गजल ने दिया था। तो आपका बड़ा प्यारा है गजल, यकीनन आवाज भी मीठी होगी। आप भी कुछ बोलिए ना। नादिर, मैं 50% पर उमर के साथ इस प्लान में शामिल हुई थी। अदनान इंतहाई हुस्न परस्त इंसान था,
अनीला से उसका दिल भर चुका था और इसीलिए वो जल्द ही मेरा दीवाना हो गया। प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाने की खातिर मुझे उससे निकाह करना पड़ा। अनीला हमारे निकाह से बेखबर थी, बल्कि अदनान ने मेरा तारुफ उससे एक बिजनेस वुमन के तौर पर करवाया था और उससे यही बताया था कि हम इकट्ठे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह मेरा उनके घर आना जाना शुरू हो गया। जब अनीला की मौत हुई तो अदनान बहुत खुश हुआ, वो तो उसे नेमत की खुदाबंदी समझने लगा। हमारी आखिरी मुलाकात पर यही तय हुआ था कि जब तक ये केस ठप नहीं हो जाता हम नहीं मिलेंगे। और वो खुद मरने वाला था, इस बात से बेखबर था वो। लालच, दौलत की लालच में तुमने दो लोगों की जान ले ली। वो दौलत जो सिर्फ एक ढलती छांव है, अब जिंदगी भर दोनों सड़ते रहना जेल में अपने इन घटिया इरादों के साथ में।